नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी वॉल। एक खूबसूरत, बढ़िया, शानदार, सारी सुविधाओं से लैस 3 BHK आज आपको दिखाने आए हैं। तो ये जैसे एंटर करते हैं तो सामने आईना लगा हुआ है। अब ये जो आईना लगा हुआ है, इसको देखकर एक शेर याद आ गया, तो पहले वो सुना दें, उसके बाद आपको आराम से दिखाते हैं कि पत्थरों का शहर है, बचा आईना, कर रहा है यही इल्तजा आईना। पत्थरों का शहर है, बचा आईना, कर रहा है यही इल्तजा आईना। अपने किरदार को लोग तुमको देखकर संवरने लगे, लोग तुमको देखकर संवरने लगे, अपने किरदार को बना आईना। तो आईने को देखकर ये याद आया कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमें देखकर लोग ठीक होने लगें, अपने आप को ठीक करने लगें, यानी कि जो हमारा करैक्टर है वो एक आईने की तरह बन जाए। और यही जो फ्लैट है, ये आपको आज दिखाने आए हैं, यही फ्लैट आप ये समझिए कि इस इलाके के अंदर एक ऐसा फ्लैट है जो कि प्राइस वाइज ठीक ठाक है, लोकेशन वाइज काफ़ी ठीक है, काफ़ी बढ़िया है, और जहां ऑलरेडी पॉपुलेशन है 180 आसपास फैमिलियां यहां पे रह रही हैं इस सोसाइटी के अंदर। पावर बैकअप है यहां पे, आपके लिए लाइट चली जाएगी तो कम से कम 3 KW का आपको पावर बैकअप मिलेगा। कवर्ड पार्किंग मिल जाएगी, आपको बाहर गाड़ी खड़ी करने की जरूरत नहीं है। गेटेड सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर पार्क मिल जाएगा, क्लब हाउस मिल जाएगा, और मैक्सिमम बैंक लोन हो जाएगा। ये बड़ी समस्या है, अच्छी प्रॉपर्टी पे मैक्सिमम बैंक लोन नहीं होता। तो आज भी बैंक ऑफ बड़ौदा के सीनियर मैनेजर हैं विपिन जी, वो उनको बैंक से लोन ऑफर हो रहा है, अपने ही बैंक से, तो वो उनकी इच्छा थी कि 90% मेरे को लोन मिल जाए। तो बहुत सारी जो अच्छी प्रॉपर्टी हैं उनके ऊपर 40-50% लोन मिला। तो ये वो प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर आप 90% तक लोन ले सकते हैं अगर आपकी एलिजिबिलिटी है। अब गेंट्री जो है वो डिजिटल लॉक से है, यहाँ पे बढ़िया यहाँ पे हैंडल है, पीछे ये डिज़ाइनर कुछ इक्विपमेंट लगा रखे हैं, यहाँ पे फैन है डिज़ाइनर, और ये डाउन सीलिंग जो है ये पैनलिंग जो करी है वुडन पैनलिंग है, और फिर सोफ़ा यहाँ लगाया है, सोफे के पीछे ये जो डीक घड़ियाँ चलती हैं आजकल डिज़ाइनर, ये हैं कर्टन्स हैं, डाउन सीलिंग है, और ये पूरे का पूरा वुडन LED पैनल है। तो ड्राइंग रूम एक ऐसी जगह होती है घर की जहाँ पे गेस्ट आते हैं, बैठते हैं, और यहीं से ही घर का इम्प्रेशन उनके ऊपर पड़ता है कि घर हमारा कैसा है। तो जैसे ही हम जो गेस्ट है वहाँ बैठ के इस तरफ देखेगा तो ये डाइनिंग टेबल का ये जो एरिया है जिसको डिज़ाइन किया गया है डाइनिंग टेबल के साथ, और यहाँ पे पेंट, वॉलपेपर और POP सबका कॉम्बिनेशन करके डिज़ाइनिंग की है, साथ में पैनल्स लगाए हुए हैं। तो ये वाली वॉल को भी डिज़ाइन किया गया है, आप अपने हिसाब से कुछ और डिज़ाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। ये डिस्प्ले के लिए जो वुडन चीज़ यहाँ पे रखी गई है सीढ़ीनुमा, इसको भी आप अपने हिसाब से डिज़ाइनिंग चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये लग बहुत अच्छी रही है। तो ये पेंटिंग यहाँ पे लगाई है, तो ये डाउन सीलिंग है, और यहाँ पे सामने घर के एंट्री के ऊपर मिरर लगा दिया गया है। अब यहाँ पे इस तरफ जो बेडरूम है, इस बेडरूम के अंदर LED पैनल की जगह पे यहाँ शीट लगा दी गई है, और इसके बैक के ऊपर पॉइंट दिए गए हैं केबल के, तो यहाँ पे पॉइंट्स हैं। ये वाली वॉल को रस्ट पेंट किया गया है सीमेंट के साथ कॉम्बिनेशन के साथ, और यहाँ पे आपका व्यू आएगा, विंडो दी गई है बाहर का व्यू के लिए, दोनों विंडो हैं। तो यहाँ पे पेंट और जो हमारी POP है उसका कॉम्बिनेशन किया गया है, डाउन सीलिंग बहुत अच्छी की है, और फैन यहाँ लगा दिया गया है। अब इसका इस तरफ घुमा के दिखाते हैं कि बेड के साथ कितना स्पेस बचा हुआ है। तो 3 फिट के आसपास इस तरफ, 3 फिट उस तरफ, दोनों तरफ स्पेस है, और यहाँ पे स्लाइडिंग कबर्ड है।
और अटैच इसका वॉशरूम है। वॉशरूम के अंदर भी आप एक नजर कैमरे से दिखें, और यहाँ पे जैगुआर की फिटिंग है सारी की सारी, और वॉल हैंगिंग सीट्स हैं, और छत तक यहाँ पे पूरी की पूरी टाइल लगा दी गई है। अब चलते हैं सेकंड रूम के अंदर, जो कि हमारे डाइनिंग एरिया के बिल्कुल पीछे है। अब इस तरफ बेडरूम में जो जितनी चाहिए होती है स्टोरी उतनी कबर्ड है, और बेड के साथ तीनों तरफ स्पेस दी गई है। और यहाँ का जो एलईडी पैनल है ये डिफरेंट यहाँ पे डिजाइन ट्राई किया गया है, काफी अच्छा लग रहा है। और इस तरफ बैल्कनी है, मैश डोर है और वॉशिंग एरिया है। तो इस तरफ हमारा वॉशरूम है, जिसके अंदर वॉल हैंगिंग सीट्स भी हैं, और पूरी छत तक जो है वो टाइल लगी हुई है। तो स्पेस इस एरिया के अंदर भी काफी ज्यादा है। यहाँ पे भी हम इस स्पेस को भी कुछ छोटा सा टेबल रखकर, या आजकल सेटरी वगैरह आती हैं वो रख के यहाँ पे इसको स्टोरेज एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं, और या इस अलमारी को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके बाद आती है किचन। तो किचन यहाँ पे ड्राइंग रूम के ऑपोजिट किचन है, और किचन में मॉड्यूलर किचन है, आरओ, चिमनी, गीजर, ये सब आपको इनबिल्ट मिलेगा इसके अंदर। उसमें कोई ये नहीं है कि नहीं मिलेगा। और मॉड्यूलर किचन जो है इसकी सारे सामान के साथ जो कॉस्ट रखी गई है 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा रखी गई है, वो आपकी इच्छा के ऊपर है कि आपने खुद करवानी है कि बिल्डर से करवानी है। तो ये वाला जो बेड है, बेड के साथ में सेम स्पेस है, स्लाइडिंग यहाँ पे कबर्ड्स हैं, पीछे यहाँ पे वॉल पैनलिंग की गई है, डाउन सीलिंग है, और इसका भी बाहर बालकनी है, इस कमरे के भी बाहर बैल्कनी है। तो यहाँ पे आपको तीनों जो बेडरूम है उनके साथ यहाँ पे आपको बैल्कनी मिल रही है, और इसका भी अटैच वॉशरूम है। तो एक जो वॉशरूम है सामने वाले बेडरूम के साथ वो वाला अटैच है, और ये वाला जो वॉशरूम है इसको एक बाहर से भी एक्सेस दिया गया है, ताकि गेस्ट ने अगर यूज करना है तो ये वाले वॉशरूम को डबल एंट्री दी गई है। तो ये एक फायदा है आपका। अब ये 1550 स्क्वेयर फिट, 1550 स्क्वेयर फिट कवर्ड एरिया है, जिसके अंदर ये फ्लैट बना हुआ है। 3 बेडरूम है, 3 वॉशरूम है, किचन है, और पावर बैकअप है, साथ में आपको कवर्ड पार्किंग है, साथ में आपको क्लब हाउस है, मंथली मेंटेनेंस है, हर चीज यहाँ पे है। और प्राइस अगर हम बात करें तो 4790 इसका बेस प्राइस है, 1,87,000 के आसपास और खर्चे हैं, जिसमें क्लब हाउस, पार्किंग, ये वो सब डाल के हैं, और 1.5 लाख यहाँ पे किचन का है, जो आपके लिए ऑप्शन है कि आप वो लगवाना चाहते हैं, नहीं लगवाना चाहते हैं, खुद करवाना चाहते हैं। उसके अलावा अगर ये सेम सब कुछ फर्नीचर वर्नीचर सब कुछ चाहिए, डाइनिंग टेबल चाहिए, बेड चाहिए, सोफा चाहिए, लाइटिंग चाहिए, सब कुछ आपको सेम चाहिए, तो इसकी कॉस्ट जो है 4 से 5 लाख और बढ़ जाएगी। अब 90% इस पे बैंक लोन है, सारे ही बैंकों से अप्रूव्ड ये प्रोजेक्ट है, किसी भी बैंक से आप लोन ले सकते हैं जहां से आपका दिल करे। गेटेड सोसाइटी है, ये गेटेड सोसाइटी एक बड़ी सोसाइटी के अंदर बनी हुई गेटेड सोसाइटी है, यानी कि जो बड़ी सोसाइटी है वो तकरीबन 100 एकड़ की है, और उसके अंदर बनी हुई ये तकरीबन 2-2.5 एकड़ की सोसाइटी है जो अगेन गेटेड है। तो इसके मेन जो बड़ी वाली सोसाइटी है उसके बाहर निकलते ही आपको सबवे मिल जाएगा, कैफे कॉफी डे मिल जाएगा, रिलायंस के स्टोर मिल जाएंगे, विशाल मेगा मार्ट मिल जाएगा, वहां पे आपको जिम्स मिल जाएंगे, आपको बहुत सारा खाने पीने का रेस्टोरेंट, चावला, चिकन, बहुत कुछ है, और ये काफी हैपनिंग प्लेस है। और इसी सोसाइटी के बाहर निकलेंगे, राइट मुड़ेंगे तो आगे 200 फुट रोड आ जाएगी, जो आपको सीधा एयरपोर्ट रोड पे कनेक्ट कर देगी। तो कनेक्टिविटी काफी अच्छी है, लोकेशन काफी अच्छी है, फैमिलीज 182 फैमिली ऑलरेडी यहाँ रह रही हैं, और अगर हम पूरी टाउनशिप की बात करें तो 1000 से ऊपर फैमिलीज इस टाउनशिप के अंदर रह रही हैं। यहाँ पे आपको मॉर्निंग वॉक करनी है, खुली खुली सड़कें मिल जाएंगी, बाहर पेड़ पौधे मिल जाएंगे, पार्क मिल जाएंगे, तो काफी हैपनिंग प्लेस है। तो काफी पार्क हैं इस सोसाइटी के अंदर जो बड़ी टाउनशिप है। तो मार्केट हमने बता दिया, स्कूल यहाँ पे आसपास हैं। चंडीगढ़ जाने के लिए यहाँ से आपको 25 से 30 मिनट लगेंगे ड्यू टू ट्रैफिक। वैसे टाइम जो है सिर्फ ट्रैफिक की वजह से ज़्यादा लग रहा है, नॉर्मली जो डिस्टेंस है वो कम है। तो ये भी हमने आपको बता दिया, प्राइस हमने आपको बता दिया, 4790 से स्टार्ट है 3 BHK। तो इस समय मार्केट में जो नए 3 BHK आ रहे हैं वो कोई 70 लाख का आ रहा है, कोई 65 लाख का आ रहा है, तो उसके हिसाब से ये रेडी टू मूव है, और बसावट वाले इलाके में है, तो यहाँ पे आपको प्राइस भी कम मिल रहा है, रेडी टू मूव भी मिल रहा है, और साथ में फीचर भी मिल रहे हैं।
इसीलिए हमने ये वीडियो आपको बनाई है, दिखाई है, उम्मीद करते हैं ये आपके काम की होगी। नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, कॉल करके आएं और इसको देखें। इसके अलावा भी बहुत और सारी ऑप्शन हैं जो हम आपको दिखाएंगे, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकॉन दबा दें, लाइक भी किया करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।